जय माता दी। सब्सक्राइब गोलू मोलू पहाड़ी चैनल, पहाड़ी चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। स्वागत है फिर से आपके अपने उत्तराखंड के चैनल। और सभी को नवरात्र, हैप्पी नवरात्र की शुभकामनाएं। जय माता दी। तो आज हम जा रहे हैं छंडीदार मंदिर, गागर के पास स्थित है। गागर से थोड़ा सा ही पहले, आपका 2 किलोमीटर पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे कच्चा रास्ता गया हुआ है, वो सीधे छंडीदार को है। और झंडीदार का जो रास्ता है बहुत ही मनमोहक है, शांत है। और जो ट्रैकिंग के शौकीन है और जिनको ट्रैकिंग पसंद है और संस्कृति और मंदिर ये सब पसंद है उनको, उनके लिए बहुत ही रोमांचकारी है ये जगह। ज्यादातर लोग जानते नहीं, तो अनएक्सप्लोर्ड कह सकते हैं आप इसको। तो इस बार जब भी आपका मुक्तेश्वर, भवाली या नैनीताल की तरफ से या आपका रामगढ़ जाना हो, तो इस जगह आप जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा जंगलों से होते हुए रास्ता है और टॉप पे है, तो इसलिए इसका व्यू 360 डिग्री है। आपको वहां से हिमालय के दर्शन भी हम कराएंगे और वहां से आपका नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, रामगढ़ जितना है सारा व्यू आपको वहां से दिखेगा। बहुत औसम जगह है, सनसेट वहां का बहुत ही अच्छा है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे चलते हैं झंडीधार मंदिर। तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवभूमि उत्तराखंड के हर घर, हर मंदिर में एक अलग ही रौनक होती है। हमारे पहाड़ों पर देवी देवताओं के मंदिर बड़े ही सुरम्य स्थानों पर बने हुए हैं। कहीं है पहाड़ों की ये ऊंची ऊंची चोटियां, कहीं गदेरे के पानी के किनारे, कहीं जंगलों के बीच एकांत में विराज करते हैं यहाँ लाखों करोड़ों देवी देवताएं। तभी तो इस जगह का नाम ही है ना, देवभूमि। हमारे यहाँ पहाड़ पे गांव के लोग नवरात्रि के दिनों में अपने नजदीकी इष्ट देवता के मंदिर पर नवरत बैठाते हैं और ये नेतृत्व करते हैं यहाँ के संत, साधु और ब्राह्मण। पूरे 9 दिन यही मंदिरों में लोग वास करते हैं। बड़ी विधि विधान से हर दिन पूजा अर्चना होती है और साथ ही हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो खाना पीना हो या व्रत हो, हर एक चीज का। आज हम भी आपको ये अपनी सभ्यता दिखाने आए हैं इस मंदिर के परिसर पर, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि हमारी देवभूमि में नवरात्रि कैसी होती है। और हाँ, दशहरा भी। और यही मंदिर परिसर में ही लोग भोग बना करके, महाप्रसाद बना करके भगवान का भोग लगाते हैं और हाँ, स्वयं भी ग्रहण करते हैं। ये एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें हर एक इंसान सहायता देता है, सहयोग करता है। ये एक तरीके से कह लीजिए सामुदायिक चीज है, जिसमें हर एक दूसरे से मिलता है, मजे ठहाके करता है, भगवान की अर्चना पूजा भी हो जाती है और साथ में एक कम्युनिटी लव जो है वो बना रहता है। यही तो हमारी पहाड़ों की सभ्यता है। तो जब बात थी पुण्य कमाने की, तो भला गोलू कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी कुछ श्रम दान दे करके
यहाँ पर पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त किया। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है कन्या पूजन का, तो आइए आप भी देखिए हमारे यहाँ कन्या पूजन कैसे होता है पहाड़ों पे। नेता के अनुसार ये कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप है। इनके पैर धुलकर इनका सम्मान करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इन कन्याओं को भोग देता है या दान दक्षिणा देता है। हर एक व्यक्ति इन कन्याओं का आशीर्वाद लेता है ताकि इनके घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। तो ये सम्मान है हमारी कन्याओं और महिलाओं का हमारे पहाड़ पर। पहला भोग संत महाराज खुद स्वयं अपने हाथों से इन कन्याओं को खिला रहे हैं। उसके बाद पंक्ति में खड़े सारे गांव वाले भी इसी क्रिया को दोबारा से दोहराएंगे। कितनी शांति सुकून का अनुभव हो रहा है इस मंदिर पे। ऊंचाई पे होने की वजह से दृश्य भी कितने अद्भुत, सामने पहाड़, हिमालय, ये ठंडी ठंडी हवा और मंदिर के परिसर में ये पूरी भक्तिमय माहौल बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी इस बार झंडीधार मंदिर ज़रूर विज़िट करें। और इसी के साथ सभी गांव वाले एक पंक्ति में बैठ करके इस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपने व्रत और उपवास को समाप्त करते हैं। इसी के साथ ये नवरात्रि की रामनवमी का यहीं पर हम अंत करते हैं और ले चलते हैं आपको यहाँ का दशहरा दिखाने अगले दिन। यही के स्थानीय लोगों द्वारा आयोजन हुआ दशहरे का भवाली में एक खेल मैदान में। आइए आप भी इस दशहरे की चहल पहल के मजे लीजिए।
और इसी रावण दहन के साथ हम आशा करते हैं आपके जीवन में और हमारे भी जीवन में नकारात्मकता का अंत हो और सकारात्मकता का प्रवेश, आप सभी के जीवन में असत्य की इसी तरह हार हो और सत्य की जीत। इसी के साथ हम ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा पहाड़ी उत्सव और हमारा पहाड़ी कल्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।